जब से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर 14 फरवरी को रिलीज हुआ है तब से इसकी काफी हाइप बन चुकी है और बने भी क्यों ना, डॉक्टर साहब ने पूरी मल्टीवर्स को इलाके रख दिया है। और एडिशनली एंड एज ऑलवेज फैन थ्योरीज, जिनके बिना मूवीज खासकर एमसीयू की मूवीज अधूरी है। ये सब देखकर मैंने सोचा व्हाई शुड आई मेक ए वीडियो ऑन दिस, सो हियर इट इज, 4 क्रेजी फैन थ्योरीज अबाउट द अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। नंबर 1, मार्जिन रैम्बियो इज अ वेरिएंट ऑफ कैप्टन मार्वल। तो कुछ दिनों पहले लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे थे कि ये रंग बिरंगा जीव है कौन। कई लोगों का कहना था कि दूसरी यूनिवर्स का आयरन मैन है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स है, लेकिन रिसेंट में 4K में रिलीज हुए स्नैपशॉट से ये तो नहीं लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि दूसरी यूनिवर्स से मारिया रैम्बियो हो, क्योंकि इसमें साफ देखा जा सकता है इसका स्किन टोन डार्क है और इसकी एनर्जी कैप्टन मार्वल से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है। सो हो सकता है ये थ्योरी सही हो, हु नोज। नंबर 2, वांडा एंड टाइम डोर। तो दूसरी थ्योरी ये है कि ट्रेलर में दिखाई हुई जो ऑरेंज स्क्रीन है वांडा के पीछे वो एक्चुअली टाइम डोर है, जो हमें लोकी सीरीज में देख चुके हैं। इसके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि वांडा ने शायद डार्क होल्ड की ताकत का इस्तेमाल करके टीवी के एग्जिस्टेंस का पता लगा लिया और उसे हाईजैक कर लिया, जिसका इस्तेमाल करके वो अब अलग अलग डायमेंशन एंड यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रही है। हो सकता है ये थ्योरी काफ़ी खिंची हुई लगे, लेकिन मार्वल वालों के ट्रेलर्स में हम कुछ भी ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। नंबर 3, पैट्रिक स्टीवर्ट्स वॉइस। पैट्रिक स्टीवर्ट काफी जानी मानी हस्ती है और उनकी आवाज को कोई ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकता है। You know, people have been imitating my voice ever since I came on the stage 60 years ago. So I can't be held responsible for that. वो चाहे कितना भी एंड्रू गारफील्ड बन ले, हम सबको पता है कि वो चाहे ऑफ स्क्रीन ही सही बट ट्रेलर में है एज प्रोफेसर एक्स द लीडर ऑफ एक्समैन। और फिल्म में वो इल्यूमिनाटी नाम के एक सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा है जिसमें आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स, ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे और भी कई दिमाग वाले लोग हैं। एंड इन सब सिनेरियो को देखकर लगता है कि मार्वल हो सकता है कि म्यूटेंट्स के लिए यहाँ से अपनी एमसीयू के दरवाजे खोले। नंबर 4, एल्डरकॉर्ड किटॉन। रिसेंटली एक फैन ने मूवी के एक नए थ्रेट को आइडेंटिफाई किया है और सरप्राइजिंगली वो है एक एल्डरकॉर्ड नेम किटॉन, जो कि अपने कॉमिक बुक काउंटरपार्ट से काफी ज्यादा रिजेबल कर रहा है। और यह हमें इस पोस्टर में दिखाए गए शैटर ग्लास के किसी एक टुकड़े में देखने को मिलता है। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि किटॉन का एमसीयू से लिंक है, क्योंकि हमने देखा है कि वांडा विजन के लास्ट में वांडा डार्क होल्ड नाम की एक बुक को पजेस कर लेती है जो कि केओस और डार्क मैजिक से भरी है। और इस बुक के पीछे हाथ भी किटॉन का ही है, बिकॉज ही इज द एल्डर गॉड ऑफ केओस एंड डार्क मैजिक। सो देयर्स अ चांस कि वो मूवी में एटलीस्ट एक छोटी सी अपीयरेंस दे। एंड जैसे जैसे मूवी की डेट करीब आती जाएगी, वैसे वैसे हमें फैन थ्योरीज, हिंट्स वगैरह और भी मिलते रहेंगे। और आखिर मार्वल वाले जानते हैं कि क्या राय था फैलने वाले आखिर में। और कमेंट डाउन इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द मूवी। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।